Assalamualaikum viewers, and welcome back to my channel Study Law with Pushta. So, in today's video, we are going to discuss the topic of Section 58 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. ज और उनकी टाइप को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमने देखना है की मोडगेज इट्स क्या है मोडगेज को अगर हम डिफाइन करें तो सेक्शन फिफ्टी एट के अकॉर्डिंग मोडगेज एक ऐसी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करता है इन ऑर्डर टू टेक दोन फ्रॉम दैट एन अदर पर्सन सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो मोडगेज के अंदर जब एक बंदा किसी दूसरे से कोई लोन लेता है किसी किस्म का कोई उधार लेता है तो उस उधार की सिक्योरिटी के लिए वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जो उसका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट दूसरे बंदे को ट्रांसफर करता है और ये सिक्योरिटरिटी प्रॉपर्टी देने का मकसद क्या हुए? होता है कि इन केस अगर वो पहला बंदा लोन वापस करने में नाकाम हो जाए वो फेल हो जाए तो ऐसी सूरत में दूसरा बंदा उसकी प्रॉपर्टी से अपना वो लोन रिकवर कर सकता है यानी दूसरे बंदे को सिक्योरिटी क्यों दी जाती है इन ऑर्डर टू रिकवर दी लोन अब इसी डेफिनेशन के अंदर से अगर हम इस मॉडगेज के एजेंशियल निकालें तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास दैट देयर मस्ट बी द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जो उसका इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करे अब जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उसमें कहा गया है इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी से मुराद ये, है कि आपने ये बताना है कि आपका कोई घर है आपकी कोई लैंड है या कोई प्लॉट है आपने वो चीज स्पेसिफाई करनी है कि किस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आप दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हो तीसरी बात अब जो हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मकसद क्या है कि इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन उसकी उस प्रॉपर्टी के थ्रू अपना लोन रिकवर कर सके मतलब क्या हुआ कि वो उसकी प्रॉपर्टी से अपना वो पैसा वापस ले सकता है अपने उस लोन की रीपेमेंट रिकवरी खुद कर सकता है सो so, सिंपली अगर हम मॉडगेज को देखें तो मॉडगेज क्या है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक बंदा किसी दूसरे बंदे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अब याद रखना है कि जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमेशा इमूवेबल होनी चाहिए जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी तो वो मॉडगेज नहीं होगा बल्कि वो प्लेज होगा प्लेज के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है मॉडगेज के लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि हमेशा आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को देते हो एज सिक्योरिटी ऑफ योर लोन के इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ दी लोन वो दूसरा बंदा आपकी इस प्रॉपर्टी से अपना वो लोन सिक्योर कर सके अब जब हमने बात की कि एक बंदा दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो अब ये देने वाला बंदा कौन है और जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है वो बंदा कौन है सो so, सेक्शन हमें कहता है कि वो बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है ए सिक्योरिटी ऑफ लोन उस बंदे को हम कहते हैं कि वो कौन है दैट पर्सन इज अ मोडगेजर जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो मोडगेजर है और सेकेंडली अब एक बंदे ने दूसरे को प्रॉपर्टी दी यानी दूसरे ने रिसीव की तो वो बंदा जो मॉडगेजर से प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है और प्रॉपर्टी रिसीव करने के बदले वो उस पहले बंदे को लोन दे रहा है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड मोडगेजी यानी मॉडगेजर प्रॉपर्टी दे रहा है और लोन रिसीव कर रहा है मोडगेजी प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है और लोन दे रहा है अब तीसरी बात आती है मॉडगेज मनी की अब जब हम बात कर रहे हैं कि एक बंदा लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी दे रहा है तो वो जो पैसा वो जो लोन है जो इंटरेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं उस इंटरेस्ट को उस मनी को उस लोन को इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वो मॉडगेज मनी है उसके बाद मजीद ये सेक्शन क्या कहता है मोडगेज डीड को एक्सप्लेन कर रहा है नाउ व्हाट इज मोडगेज डीड मॉडगेज डीड हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू ये ट्रांसफर ऑफ मॉडगेज प्रॉपर्टी इफेक्ट में लाई जा रही है सिंपली कि जिसकी बेसिस के ऊपर एक बंदा प्रॉपर्टी देकर दूसरे से लोन ले रहा है जिसकी बेसिस पे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ मॉडगेज हुई है उसको कहते हैं मोडकेज टीड़ अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉडकेज के ऊपर सो बेसिकली देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ मॉडकेज अंडर सेक्शन 58 वी विल डिस्कस देम वन बाय वन सबसे पहली आती है हमारे पास सिंपल मॉडकेज सिंपल मॉडकेज नाम से ही जाहिर है बहुत ही सिंपल सा है इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात क्या है दैट वेयर अ पर्सन विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स द लोन फ्रॉम अनदर पर्सन यानी कि इसमें पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रही सिंपल ये याद रखना है और दूसरी बात जहां पर मॉडगेजर खुद को खुद बाउंड कर रहा है बाउंड करने से मुराद क्या है कि लाइबिलिटी सारी वो अपने ऊपर ले रहा है और वो मॉडगेजी को ये कहता है और आपस में दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इन केस अगर मॉडगेजर वापस मॉडगेजी को उसका पैसा देने में नाकाम हो गया तो वो जो मोडकेजी है वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है और सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा उस प्रॉपर्टी के पैसे से वो अपना लोन रिकवर कर सकता है उस अमाउंट से वो अपने लोन की रिकवरी कर सकता है ये सिंपली है हमारे पास सिंपल मॉडगेज अब इसी सिंपल मॉडगेज की डेफिनेशन के अंदर से अगर हम इसके कुछ इजेंशियल्स निकालें तो सबसे पहली बात आती है सिंपल मॉडगेज के अंदर जो हमने क्या कही कि इस किस्म के मोडगेज में पोजेशन ट्रांसफर नहीं होती वे आर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी पहला बंदा दूसरे से लोन ले रहा है सेकेंड चीज जो हमने क्या कहा लाइबिलिटी सिरे से मोडगेजर के ऊपर आती है सो वेयर द मोडगेजर बाइंड हिमसेल्फ फॉर दी लाइबिलिटी ऑफ दी लोन यानी के लोन वापस करने की सारी की सारी जिम्मेदारी मोडगेजर ने अपने सर ले ली और तीसरी बात वो आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इनकेस अगर मॉडगेजर पैसा वापस करने में नाकाम हो गया तो मॉडगेजी उसकी उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा और सेल करने के बाद जो पैसा वसूल होगा उस पैसे से वो अपनी लोन की रिकवरी कर सकता है ये था पहला सिंपल मॉडगेज उसके बाद आ जाते हैं मॉडगेज बाय कंडीशनल सेल अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपने इसको अटेंटिवली सुनना है कि मॉडगेज बाय कंडीशनल सेल क्या है नाम से ही जाहिर है कि जहां पर कोई कंडीशन लगा दी जाती है मींस टू से कि जहां पर मॉडगेजर अपनी प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिबली सेल करता है यानी कि एक ऐसी कंडीशन लगा देता है प्रॉपर्टी को ए सिक्योरिटी देते हुए और मोडगेजर ने कंडीशन क्या लगाई है कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूं अगर मैंने एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अपना लोन वापस ना किया तो ऐसी सूरत में आप अपने लोन की रीपेमेंट के लिए क्या कंसिडर किया जाएगा कि जैसे ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है यानी कि जाहिरन मॉडगेजर अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है कि अगर मैंने एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर लोन रीपे नहीं किया तो मेरे ये प्रॉपर्टी सोल्ड कंसिडर किया जाएगा लेकिन अगर मैं लोन वापस कर दिया अगर मैंने फिक्स टाइम पीरियड के अंदर लोन वापस कर दिया तो यही जो ऑस्टेंसिबल सेल है ये वॉइड हो जाएगी ये इनवैलिड कंसिडर की जाएगी अब इसी से अगर हम इजेंशियल निकालें तो वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगा पहली बात कि मॉडगेजर ने अपनी प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिबली सेल किया है फर्स्ट एंड मेन एसेंशियल इज ल ऑफ प्रॉपर्टी बाई दॉडकेजर ऑस्टेंसिबल सेल से क्या मुराद है कि आप एक ऐसी ट्रांजेक्शन करते हो कि अगर सिक, सिक्योरिटी के तौर पर जो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं अगर मैंने फिक्स टाइम पीरियड के अंदर लोन ना दिया तो मेरी ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सोल्ड कंसिडर की जाएगी तीसरा इसेंशियल क्या है कि इन केस अगर मैं सर्टन टाइम पीरियड के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर लोन वापस कर देता हूं तो मेरी यही जो ऑस्टेंसिबल सेल है ये टोटली इनवैलिड हो जाएगी ये वॉइड कंसिडर की जाएगी ये थी सेकंड काइंड अब आ जाते हैं थर्ड काइंड के ऊपर जो के है यूजो फ्रक्चरी मोडकेज यूजो फ्रक्चरी मोडकेज को अगर हम देखें तो नाम से ही जाहिर है यूज करना यूजो फ्रक्चरी यूज करना यानी कि जहां पर आपको लीगल राइट दे दिया जाता है कोई किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को यूज करने का यूज़ ऑफ़ ज में क्या हुआ कि जहां पर हुआजर मोडगेजी को अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट ट्रांसफर कर देता है यानी कि मोडगेजर ने अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन मोडगेजी को दे दी और साथ ही साथ उसने मोडगेजी को ऑथराइज कर लिया है कि इस प्रॉपर्टी से आने वाली जितनी भी इनकम है इन केस वो किसी हाउस का रेंट है या वो प्रॉपर्टी से आने वाला कोई भी प्रॉफिट है ये इन केस आपने कोई क्रॉप्स वहां पर ग्रो की हुई हैं तो उस सूरत में जो प्रॉफिट मिल रहा है मॉर्गेजी उस प्रॉफिट को रिसीव करने के लिए ऑथराइज है यानी कि अगर मॉर्गेजर ने उसको एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर लोन रीपे ना किया तो वो उन प्रॉफिट से उस रेंट से अपना वो लोन रिकवर कर सकता है अब इस यूज ऑफ एक्चरी मोडगेट की अगर हम इसल देखें तो सबसे पहला और मेन एसेंशियल क्या आता है यूज ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि मोडगेजर मोडगेटी को राइट दे देता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है सेकेंडली अब वो यूज कैसे करेगा कि उसने अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन डिलीवर कर दी है मोडगेजी को और साथ ही साथ ये कहा है ये ऑथराइज किया है कि मोडगेज उसकी सॉरी मोडगेजी उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास तब तक रिटेन कर सकता है जब तक कि उसका लोन रिकवर नहीं हो जाता अनटिल एंड अनलेस हिज लोन इज रीपेड ही कैन रिटेन द प्रॉपर्टी और चौथी चीज चौथा इसल क्या है दैट मॉडगेजर है इंग्लिश मॉडगेज अब इसको भी आपने अटेंटिवली सुनना है क्योंकि यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश मॉडगेज में क्या होता है कि एक ऐसी काइंड ऑफ मोडगेज जिसमें मोडगेजर अपनी प्रॉपर्टी को एप्सल्यूट ट्रांसफर कर देता है मोडगेजी को अब एप्सलूट ट्रांसफर करने से क्या मुराद है कि मोडगेजर ने अपनी प्रॉपर्टी के तमाम राइट्स, तमाम लाइबिलिटीज मोडगेजी को दे दी हैं, लेकिन एप्सलूट ट्रांसफर करने के साथ वो ये कंडीशन लगा रहा है कि जैसे ही वो मोडगेजी को उसका लोन वापस कर देगा तो मोडगेजी उसको उसकी प्रॉपर्टी रिट्रांसफर कर कर देगा यानी सिंपली आप अपनी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहे हो और साथ ही साथ ये कंडीशन लगा रहे हो कि जैसे ही मैं तुम्हें तो तुम्हारा लोन सारा का सारा लोन वापस कर दूंगा तो ये सेल जो एब्सोल्यूट है ये खत्म हो जाएगी और तुम तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी रिट्रांसफर कर दोगे इसके इजेंशियल्स क्या क्या है सबसे पहली बात एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम मोटकेजर टू मोटकेजी मॉडगेजर ने मॉडगेजी को एब्सोल्यूट ट्रांसफर की दूसरा इसेंशियल क्या है कि मॉडगेजर ने खुद को बाउंड किया है पर्सनल लाइबिलिटी मॉडगेजर के ऊपर है सारी की सारी लाइबिलिटी वो उसका लोन रीपे करेगा अब यहां पर मॉडगेजी के पास राइट नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दे साथ ही साथ मॉडगेजर ने यह कंडीशन भी लगाई दैट इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय मॉडगेजर मॉडगेजी हिमसेल्फ विल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ मोडेज To the, uh, him. उसके बाद आती है है अब अगर आप इस mortgage को नाम से ही देखें तो इसमें हमारे पास क्या है? Deposit of title deed. कि एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी टाइटल डीड डिपॉजिट कर रहा है टाइटल डीड ट्रांसफर कर रहा है अब इस किस्म की मोडगेज में क्या होता है इस किस्म के के अंदर मोडगेचर अपनी प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स हैं वो मॉडगेजी को ट्रांसफर कर रहा है यानी के लोन लेने के बदले वो अपनी प्रॉपर्टी का पूरा का पूरा टाइटल ही दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है और साथ ही साथ ये कहता है कि जब मैंने तुम्हें तो तुम्हारे पैसे वापस कर दिए तो मुझे मेरे ये डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे यानी कि सिक्योरिटी के, के तौर पर आप क्या दे रहे हो अपनी प्रॉपर्टी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसकी रजिस्ट्री है वो आप दूसरे बंदे के पास रखवा रहे हो और उससे कहते हो कि अब तुम मुझे लोन दे दो जैसे ही तुम्हारा ये लोन मैंने तुम्हें वापस कर दिया तो तुम तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी के कागजात वापस कर देना अब इसके मेन एसेंशियल्स क्या क्या हैं पहली बात मॉडगेजर ट्रांसफर दी टाइटल डीड्स डॉक्यूमेंट्स टू दी मोडगेजर ने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स दिए दूसरी बात डॉक्यूमेंट्स किस लिए दिए उसने के इन ऑर्डर टू सिक्योर दी लोन यानी के मैं तुमसे लोन ले रहा हूं और इस लोन की सिक्योरिटी के लिए तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं लास्ट काइंड आती है हमारे पास एनएमएलएस मॉडकेज एनएमएलएस मॉडकेज हमारे पास बेसिकली वो टाइप ऑफ मोडकेज है जो बाकी तमाम मोडकेज से हट कर है यानी कि इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट एनएमएल मोडकेज इज अ टाइप ऑफ मोडकेज विच इज नॉट अ सिंपल मॉडकेज मॉडकेज बाई कंडीशनल सेल इंग्लिश मोडकेज और यूजो फ्रक्चरी मॉडकेज बेसिकली एनएमएलएस मोडकेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉडकेजेस मतलब कि जहां पर हमारे पास लेट से कि सिंपल मॉडकेज आता है और उसके साथ यूज फ्रक्चरी मॉडकेज भी आ रहा है यानी कि जहां पर एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी की डिलीवर नहीं की और वो दूसरे बंदे को ये कह रहा है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का लोन इस तरह से रिकवर कर सकते हो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो और उस प्रॉपर्टी से आने वाला जितना भी रेंट या प्रॉफिट है उस रेंट या प्रॉफिट से तुम अपना लोन रिकवर कर सकते हो और साथ ही साथ वो दूसरे बंदे के साथ ये एग्रीमेंट भी करता है कि इनकेस अगर मेरा लोन फिर भी रिकवर ना हुआ तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा और सेल करने के बाद लोन की रिकवरी हो जाएगी सो बेसिकली एनएमएल मॉडगेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉडकेजेस सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 58 एट ऑफ टीपीओ के ऊपर जिसमें हमने मॉडकेज और उसकी काइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया सबसे पहले हमने देखा कि मॉडकेज क्या है उसके इसेंशियल एलिमेंट्स को देखा और फिर साथ ही साथ हमने उनकी काइंट्स को भी इन डिटेल वन बाय वन डिस्कस किया है सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज